वक्त हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं गुजरात के वडोदरा, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं अपने उम्मीदवार के समर्थन में, और उनके साथ आप देख पा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और उम्मीदवार भी वहां पर मौजूद हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह अपने उम्मीदवार के पक्ष में वडोदरा में रोड शो के जरिए वोट की अपील, गुजरात उनका गृह क्षेत्र भी है और गांधीनगर से खुद अपने उम्मीदवार हैं अमित शाह, और गुजरात के सभी सीटों पर जीत का एक बार फिर से लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां की उतरी है, और अमित शाह के सामने एक बड़ी ये चुनौती भी है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गृह राज्य है गुजरात, गृहमंत्री अमित शाह का भी गृह राज्य है, और इसलिए खास फोकस है भारतीय जनता पार्टी का और खास करके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का खास फोकस है। और इसी क्रम में गृहमंत्री लगातार गुजरात के संसदीय क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए जनसभा भी कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, और आज वडोदरा में गृहमंत्री अमित शाह इस रोड शो के जरिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर शामिल हैं आप देख सकते हैं, और साथ ही जिस रास्ते से ये रोड शो गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है, गृहमंत्री अमित शाह का फूलों से स्वागत भी हो रहा है और खुद गृहमंत्री अमित शाह उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। 1998 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर जीत बरकरार रहा है। 1998, 1999 और 2004 में जयाबेन ठक्कर यहां से चुनाव जीती, 2009 में बालकृष्ण शुक्ला यहां से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीते, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो जगहों से चुनाव लड़े थे, वाराणसी और गुजरात के वडोदरा से लड़े थे, दोनों जगहों से चुनाव जीते थे, और फिर बाद में उन्होंने वडोदरा से इस्तीफा दे दिया था, वडोदरा को छोड़ दिया था, वाराणसी को उन्होंने रिटेन किया था, और फिर वडोदरा में बाई इलेक्शन हुआ था, रंजन बेन भट्ट यहां से जीते थे, 2019 में भी रंजन बेन भट्ट यहां से अपनी जीत बरकरार रखे। और इस सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए खुद गृहमंत्री अमित शाह वडोदरा में रोड शो कर रहे हैं।